अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुर्बे कयामत के चंद दिल दहला देने वाले वाकयात के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की अलामत में से ये भी है कि मुसलमान हुक्मरान मुल्क के लगान को अपनी जाती दौलत बना लेंगे, लोग जकात को टैक्स समझकर अदा करेंगे, अमानत को माले गनीमत की तरह हलाल जानेंगे, शोहर अपनी बीवी की बेजा अतात करेगा, औलाद वालदैन की नाफरमानी करेगी, लोग बुरे लोगों से दोस्ती करेंगे और इल्म सिर्फ दुनियावी जरूरत को पूरा करने के लिए हासिल किया जाएगा। कौम के लीडर इंतहाई बदहल्क लालची होंगे। हुकूमत के इंतजाम ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे जो उसके अहल नहीं होंगे। खौफ की वजह से लोगों की इज्जत की जाएगी, शराब नोशी सरेआम होगी, नाच गाना आम हो जाएगा और जिनाकारी कसरत से होगी। उम्मत के बाद वाले लोग गुजरे हुए लोगों पर तानो मलामत करेंगे। लड़कों में भी बाहम बुरा चलन होगा, मस्जिदों में खेल कूद करेंगे, मुलाकात के वक्त सलाम करने के बजाय एक दूसरे को दिल लगी की खातिर गालियां देंगे। शरीयत का इल्म कम हो जाएगा, दिलों से अमानत की अहमियत का ख्याल उठा लिया जाएगा, झूठ को फन समझा जाएगा और शर्मो हया उठ जाएगी और औरतें ज्यादा होंगी। बेपर्दा और जिस्म की नुमाइश के लिए बारीक लिबास जेब तन करके बाजारों में फिरेंगी ताकि लोगों को अपने ऊपर फरीफ्ता करें। इनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सी अलामतें सुगरा बयान फरमाई, मसलन इमाम मेहदी का तशरीफ लाना, जिनका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना जो सही अहदीस से साबित है, दज्जाल का जहूर, उसका फितना और उसका कत्ल, उसके अलावा वाकया खस्फ का पेश आना और एक बहुत बड़े काले धुएं का नमूदार होना जो जमीन पर छा जाएगा, बिदात का आम हो जाना, आफताब का मगरब से तलू होना वगैरह। जब इन अलामात का जहूर हो जाए तो समझ लो कयामत आ गई। नाजरीन, आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में था बस इतना ही। मजीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, शुक्रिया।